सवाल इस बात का है कि हम जन अपेक्षाओं में कितना खरा उतरते हैं। हमने घोषणा पत्र जो प्रस्तुत किया था वो जनता से इसलिए प्रस्तुत किया था कि उसके आधार पे हमको यहाँ हुकूमत लानी थी, और जनता ने उसमें मोहर लगाई है। सबसे पहला तो हमारा कर्ज माफी की बात थी, 10,000 करोड़ के आसपास की कर्ज माफी हुई है, कौन इनकार कर सकता है। 2500 रुपये में धान लेने की बात हुई थी प्रति क्विंटल, हमने दिया था पहले साल, केंद्र सरकार ने आपत्ति क्योंकि इसका उत्तर उनके पास नहीं है। लेकिन दूसरे साल अगर केंद्र सरकार ने आपत्ति की तो हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई, हमने जितने भी वायदे किए थे क्रमशः उन वायदों को पूरा कर रहे हैं। और हमने देखा है, इस सदन में देखा है, 15 साल अपने वायदों को पूरा नहीं कर सकी वो हमसे प्रश्न करते हैं। ऐसे लोग जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहा करते थे वो हमसे प्रश्न करते हैं। ऐसे लोग जो महंगाई को लगाम लगाने की बात कहा करते थे वो हमसे प्रश्न करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है हमारे घोषणा पत्र में हमारे जो वायदे हैं क्रमशः पूरे हो रहे हैं, बचे हैं और वायदे बचे हैं। इनकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज नहीं किया, लेकिन उसको पूरा करने की हमारी तैयारी है। और इस साल कोरोना के चलते बजट की क्या स्थिति आप सब जानते हैं, लगभग 20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दे राशि को रोका है। GST की क्षतिपूर्ति की उसमें जोड़ नहीं कर रहा हूँ, जो हानि होना है उसको देंगे करके कमिटमेंट था, लेकिन जो हमारा अधिकार है हमको जो मिलना चाहिए उसमें 20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। तो कुछ वायदे कुछ घोषणाएं शेष हैं जिसको हमको पूरा करना है, और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं केंद्र हमारी राशि को लौटा दे, हम अपनी जनता से किए वायदे पूरा करेंगे। अब जो मीडिया में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी में पूरे हिंदुस्तान में हर राज्यों में असंतोष दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ का संतोष तो आपने सदन में देखा, उत्तराखंड का असंतोष भी पूरा देश मीडिया के माध्यम से जान रहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी शायद उसके पर्यवेक्षक हैं, लेकिन आज अखबारों में आया है कि वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के गुटबाजी का जो सतह पे आ गया है उसका परिणाम एक आध दो दिन में निकल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव, अब तो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं वाला शब्द है, इसलिए हमको तो सावधानी से ही बचाव करना है। निश्चित रूप से सदन में माननीय TS सिंहदेव साहब और खुद स्वास्थ्य मंत्री जी अस्वस्थ हो गए हैं, माननीय जय सिंह जी सहित विधायक लोग कोरोना के से संक्रमित होते जा रहे हैं, लेकिन सदन समाप्त करने का वो कारण नहीं है। सदन में प्रतिपक्ष भाग ही नहीं ले रहा है, चर्चा में हिस्सेदारी कर ही नहीं रहा है, ये बड़ा कारण है। और कोरोना से तो बचना है, सदन को भी बचना है और सदन के बाहर जनता को भी। मैंने पहले भी कहा, इतना लचर दयनीय और निरी हालत में प्रतिपक्ष को मैं अपने संसदीय जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। क्यों चर्चा से भाग रहे हैं? सदन केवल नाराबाजी के लिए नहीं होता, पूरे प्रदेश के सभी विभागों के उम्मीदों का और जनता की अपेक्षाओं में खरा उतरने के लिए आप अपनी बात कह सकते हैं। आलोचना को हम सदन में संवाद का सबसे बड़ा श्रृंगार मानते हैं, सुझाव देना चाहिए उन लोगों को, लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सदन में भी दिखाई दे रही है और सड़क में भी दिखाई दे रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के साथ 3-4 विधायक सदन में रहना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष जी, सौरभ जी, रजनीश जी, हमें दिखाई दे रहा था कि वो सदन में बैठ करके अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन बाध्य कर रहे हैं ब्रिजमोहन जी और आदरणीय अजय चंद्राकर जी और माननीय शिवरतन जी, पता नहीं क्यों। तो ये तो मुझे लगता है कि उनकी अंदरूनी लड़ाई के कारण वो सदन के में हिस्सेदारी नहीं कर पा रहे हैं, और इसका सदन कम दिन चलने का अगर किसी को दोष है तो केवल और केवल प्रतिपक्ष को है। बठेना की घटना पे कल भी स्थगन प्रस्ताव आया था, आसंदी ने उसको अग्राह्य किया हुआ है। सरकार की ओर से माननीय गृह मंत्री जी ने सोमोटो स्टेटमेंट कल दिया था, उसमें कम से कम प्रतिक्रिया तो विपक्ष का आना चाहिए था, जो सदन की परंपरा है।
लेकिन प्रतिपक्ष की हालत इतनी दयनीय, लचर, निरीह क्यों है ये तो प्रतिपक्ष जाने। हर मामले से वो भागना क्यों चाहते हैं? सदन तो चर्चा का सबसे बड़ा मंच होता है। माननीय गृह मंत्री जी ने जब स्टेटमेंट दिया तो प्रतिक्रिया नेता प्रतिपक्ष की ओर से आना लाजिमी था, उससे वो भाग गए। आज फिर से वो स्थगन प्रस्ताव उठाना चाहते थे। हमेशा से संसदीय मर्यादा और परंपरा ये रही है कि जब भी विनियोग पे चर्चा होती है, विनियोग का आशय ये है कि संपूर्ण बजट को खर्च करने की इजाज़त मांगते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उस पे सभी विभागों में जो भी बातें होती हैं। और तो और विनियोग पे ये परंपरा है कि अगर सीधा आरोप भी अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के ऊपर लगाना है तो प्री नोटिस दे करके सदन में उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य, इतने संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं को जानने वाले लोग भी सदन छोड़ के लगातार क्यों भाग रहे हैं मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। और इस पूरे विधानसभा सत्र को हमने तो 24 सिटिंग के लिए विधानसभा सत्र आहूत किया था, 10 दिन के लिए भी उनके पास मुद्दे अगर नहीं हैं तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ दयनीय हालत और कुछ नहीं हो सकती। उनकी स्थिति पर मुझे तरस आता है। माननीय न्यायालय के किसी भी निर्देश पे टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशनली हमको बाध्यता है 50% आरक्षण तक की। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी संदर्भ में जवाब मांगा है। आने वाले समय में उच्चतम न्यायालय का क्या निर्देश होगा, ना केवल छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के सारे राज्यों में आरक्षण की उसी नीतियों का हम लोग पालन करेंगे। बठेना की घटना पे कल भी स्थगन प्रस्ताव आया था, आसंदी ने उसको अग्राह्य किया हुआ है। सरकार की ओर से माननीय गृह मंत्री जी ने सोमोटो स्टेटमेंट कल दिया था, उसमें कम से कम प्रतिक्रिया तो विपक्ष का आना चाहिए था, जो सदन की परंपरा है। लेकिन प्रतिपक्ष की हालत इतनी दयनीय, लचर, निरीह क्यों है ये तो प्रतिपक्ष जाने। हर मामले से वो भागना क्यों चाहते हैं? सदन तो चर्चा का सबसे बड़ा मंच होता है। माननीय गृह मंत्री जी ने जब स्टेटमेंट दिया तो प्रतिक्रिया नेता प्रतिपक्ष की ओर से आना लाजिमी था, उससे वो भाग गए। आज फिर से वो स्थगन प्रस्ताव उठाना चाहते थे। हमेशा से संसदीय मर्यादा और परंपरा ये रही है कि जब भी विनियोग पे चर्चा होती है, विनियोग का आशय ये है कि संपूर्ण बजट को खर्च करने की इजाज़त मांगते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उस पे सभी विभागों में जो भी बातें होती हैं। और तो और विनियोग पे ये परंपरा है कि अगर सीधा आरोप भी अगर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के ऊपर लगाना है तो प्री नोटिस दे करके सदन में उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य, इतने संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं को जानने वाले लोग भी सदन छोड़ के लगातार क्यों भाग रहे हैं मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। और इस पूरे विधानसभा सत्र को हमने तो 24 सिटिंग के लिए विधानसभा सत्र आहूत किया था, 10 दिन के लिए भी उनके पास मुद्दे अगर नहीं हैं तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ दयनीय हालत और कुछ नहीं हो सकती। उनकी स्थिति पे मुझे तरस आता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में असम की पूरी जवाबदारी श्री भूपेश बघेल जी और उनकी टीम को है। तो भूपेश जी तो बहुत जल्दी जाएंगे, कांग्रेस के जो हमारे स्टार हैं उन लोगों को भी वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुलाया गया है और लगातार ट्रेनिंग का काम वहाँ चल रहा है। कांग्रेस के अन्य जो लीडरॉन हैं उनको भी समय समय पर असम जाना है। सबके कार्यक्रम अलग अलग दिवस में बन रहे हैं।